आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 10² 2x - 3। 10² 2x - 3 इसको समाकलन के अंदर लिख दो। समाकलन 10² 2x - 3 इंटू डी एक्स। 10² x का अपने पास समाकलन नहीं है तो क्या करेंगे? देखो सूत्र हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, 1 + 10² x क्या होता है? sec² x। 10² x रखना अपन को यहाँ पे, तो 10² x इज इक्वल टू sec² x। 1 + का है इस साइड रहेगा तो माइनस का। 10² x के स्थान पर sec² - 1 पुट कर देंगे तो रख दो sec² x। एक्स के स्थान पर क्या है? 2x - 3, तो 2x - 3 -1 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग लिख देंगे, sec² 2x - 3 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 1·dx। sec² x का समाकलन क्या होता है? 10x। 10x यानी 2x - 3 और 2x से 2x का अपॉन 2 माइनस 1 का x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है? sec² 7 - 4x। sec² 7 - 4x समाकलन sec² 7 - 4x इंटू डी एक्स। अब देखो 7 - 4x को टी मान लो यहाँ पे, लेट 7 - 4x इज इक्वल टू टी। 7 कॉन्स्टेंट है इसका 0 माइनस 4x का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स है यहाँ पे तो माइनस 4 है, उसको इस साइड लेके चले जाओ, माइनस 4 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी अपॉन 4 रख देंगे इज इक्वल टू समाकलन माइनस 1/4 डी एक्स के स्थान पर डी टी sec² 7 - 4x को हमने क्या माना था? टी, तो टी। अब sec² - 1/4 कॉन्स्टेंट है, इसको समाकलन से बाहर लिख दो, sec² t dt। sec² t का समाकलन sec² x का क्या समाकलन होता है? 10x। 10x sec² के स्थान पर 10x 1/4 10x। x के स्थान पर क्या? t, तो t प्लस c। t किसको माना था? 7 - 4x, तो t के स्थान पर 7 - 4x रख देंगे प्लस c। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अभी 23 क्या? साइन इनवर्स 1 √1 - x². 23 साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² समाकलन साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² इंटू डी एक्स। तो देखो 1 - x² ये किसका अवकलज है? साइन इनवर्स का। तो लेट साइन इनवर्स x को क्या मान लेंगे? t। साइन इनवर्स x का अवकलन √1 - x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1 √1 - x² इंटू डी एक्स ये है इतना अपना, इसको इसके स्थान पर डी टी पुट कर देंगे डी टी। साइन इनवर्स x को क्या माना था? t, तो t क्या हो गया? t डी टी। इसका हमें समाकलन करना है। टी का क्या समाकलन होगा? x की पावर n का x की पावर n + 1 / n + 1। तो ऐसे टी का कर देंगे, टी की पावर कितनी है? 1। तो 1 + 1 / 1 + 1 + c। तो टी की पावर 2 / 2 + c।
टी किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को, तो टी के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स रख देंगे। साइन इनवर्स एक्स की स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24, 24 क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, लिखो क्वेश्चन 24। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, समाकलन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू dx। तो देखो नीचे वाला है ना हेड, इसके अंदर 6 और 4, 6 और 4 में क्या कॉमन है, 2, तो 2 को बाहर ले लेंगे। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम, 2 3 जा 6, 3 cos x प्लस 4 में 2 का 2 टाइम, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, तो 2 sin x इंटू डी एक्स। 2 क्या है, कॉन्स्टेंट, इसको समाकलन से बाहर रख लो। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू डी एक्स। अब 3 cos x प्लस 2 sin x है, इसको t मान लेंगे, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी। 3 cos x का अवकलन sin x और sin x इसका माइनस का, प्लस 2 sin x का cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर देखो 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स है, तो इसके स्थान पर dt पुट करेंगे, तो रखो dt 1 अपॉन 2 समाकलन अपॉन, इसको क्या माना था नीचे वाले पूरे को, t, तो t 1 अपॉन 2, 1 अपॉन x का क्या समाकलन होता है, log x, तो 1 अपॉन t का log t प्लस c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log t। t किसको माना था, 3 cos x प्लस 2 sin x, तो t के स्थान पर 3 cos x प्लस 2 sin x रखेंगे, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये आंसर। अब क्वेश्चन 25 में क्या है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10 x, क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10 x की होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समाकलन में रखो, cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10 x की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x इसको ऊपर लिख दो, sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10 x की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको sec स्क्वायर x क्यों लिखा, क्योंकि 1 माइनस 10 x को t मान लेंगे ना, तो 10 x का क्या अवकलज होता है, sec स्क्वायर x, इसलिए अब 1 माइनस 10 x को t मान लेंगे, लेट 1 माइनस 10 x इज इक्वल टू t, 1 कॉन्स्टेंट है इसका 0, माइनस 10 x का sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो sec स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस इस साइड लिख देंगे डी टी, sec स्क्वायर x डी एक्स इस पूरे के स्थान पर माइनस डी टी रखेंगे, माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस 10 x किसको माना था, t, तो t
की स्क्वायर, टी ऊपर लेके जाएंगे माइनस बाहर आ जाएगा, टी को ऊपर लेंगे तो माइनस का टू टी इंटू डीटी, इसका एक्स की पावर एन का समाकलन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, समाकलन कर दो टी की पावर माइनस से टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टी की पावर माइनस टू प्लस वन तो माइनस का वन अपॉन माइनस का वन प्लस सी, माइनस और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो टेन इनवर्स प्लस सी, तो टेन इनवर्स है नीचे लेके आएंगे तो टी प्लस का हो जाएगा प्लस सी, टी किसको माना था वन माइनस टेन एक्स तो टी के स्थान पर वन माइनस टेन एक्स रखेंगे प्लस सी, ये अपना आंसर। क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 क्या है, कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो कोस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, तो समाकलन कोस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डीएक्स, तो यहाँ पे किसको टी मानेंगे, रूट एक्स को, तो मान लो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी अंडर रूट एक्स का, चलो एक्स की पावर वन बाय टू लिख लो इज इक्वल टू टी, तो एक्स की पावर वन बाय टू का अवकलन यानी एक्स की पावर एन का अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी पावर आगे आ जाते हैं, पावर में से एक कम हो जाता है, तो इसकी पावर है टू, पावर आगे पावर में से एक कम, वन बाय टू माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वन बाय टू एक्स की पावर प्लस का हाफ और माइनस का वन तो माइनस का हाफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो वन बाय टू एक्स माइनस का वन बाई हाफ है तो इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस का वन बाई हाफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वन अपॉन टू वन बाई हाफ को अंडर रूट में लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे क्या है ओनली अंडर रूट एक्स है तो वन बाई टू को इस साइड डी टी की तरफ ले जाएंगे, वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, वन अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर टू डी टी रख देंगे इज इक्वल टू समाकलन टू डी टी कोस रूट एक्स के स्थान पर टी इंटू टी इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है समाकलन से बाहर लिखो कोस टी डी टी। अब देखो कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अंडर रूट साइन टू एक्स इंटू कोस टू एक्स, अंडर रूट साइन टू एक्स कोस टू एक्स यही है, तो समाकलन अंडर रूट साइन टू एक्स कोस टू एक्स इंटू डी एक्स, देखो साइन टू एक्स का अवकलज कोस टू एक्स और कोस टू एक्स का साइन टू एक्स, किसको टी मानने क्योंकि इस सिचुएशन में हम किसको टी मानते हैं, जो रूट के अंदर संख्या दे रखी है ना उसको टी मानेंगे, तो रूट के अंदर क्या है साइन टू एक्स, तो लेट साइन टू एक्स इज इक्वल टू टी, साइन टू एक्स का अवकलन कोस टू एक्स और टू का इंटू में टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे कोस टू एक्स इंटू डी एक्स है ओनली, तो टू को इस साइड डिवाइड में ले जाएंगे कोस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू, तो लिख दो डी टी अपॉन टू अंडर रूट साइन टू एक्स को टी माना था टी कोस टू एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी अपॉन टू हो गया, तो वन बाई टू ये कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा अंडर रूट टी डी टी यानी वन बाई टू समाकलन टी की पावर वन बाई हाफ और डी टी, इसका हमको समाकलन करना है तो वन बाई टू टी की पावर वन बाई टू प्लस वन
अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टी की पावर हाफ और 1 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस सी 1 बाई 2 3 बाई 2 तो 2 ऊपर 1 के साथ चला जाएगा और 3 नीचे 2 के साथ रहेगा 2 अपॉन 3 10 3 बाई 2 प्लस सी टी किसको माना था साइन 2x तो टी के स्थान पर साइन 2x रखेंगे साइन 2x की पावर 3 बाई 2 प्लस सी 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1 बाई 3 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1 बाई 3 साइन 2x की पावर 3 बाई 2 प्लस सी ये हमारा आंसर क्वेश्चन 27 तक कंप्लीट हो गए अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखो कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स तो समाकलन कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इसमें 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लेंगे कोस एक्स को भी मान सकते हैं लेकिन साइन एक्स के साथ क्या है 1 इसलिए इस 1 प्लस साइन एक्स को टी मानेंगे और ये रूट में भी है इसलिए भी मानेंगे 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी 1 का 0 प्लस साइन एक्स का कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी कोस एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी रख देंगे समाकलन डी टी अपॉन अंडर रूट टी समाकलन टी की पावर माइनस 1 बाई हाफ डी टी इज इक्वल टू टी की पावर माइनस 1 बाई हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू टी की पावर ये माइनस हाफ ये प्लस का 1 तो प्लस की हाफ और 1 बाई हाफ प्लस सी टी टी किसको माना था 1 प्लस साइन एक्स को तो रखो टी के स्थान पर 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1 बाई हाफ और ये 1 बाई 2 है तो ये उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू प्लस सी 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी इसका अंडर रूट लिख दो ये आंसर अब क्वेश्चन 29 29 क्या है कोट एक्स लॉग साइन एक्स कोट एक्स लॉग साइन एक्स समाकलन इंटू डी एक्स तो देखो कोट एक्स को टी मानेंगे तो क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोस एक्स को मानेंगे तो अपन लेट किसको मानेंगे लॉग साइन एक्स को मानेंगे यहाँ पे तो लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी तो लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स और एक्स का इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी कोस अपॉन साइन क्या था कोट कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी तो कोट एक्स और डी एक्स इसके स्थान पर डी टी रख देंगे रख दो डी टी लॉग साइन एक्स को क्या माना था टी तो टी देखो कितना इजी हो गया अपना समाकलन तो समाकलन टी डी टी टी का समाकलन तो टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी तो टी की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी तो टी की 2 टी क्या था लॉग साइन एक्स की होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो गया क्वेश्चन कितना इजी वे में अब क्वेश्चन नंबर 30 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स समाकलन डी एक्स इसमें 1 प्लस कोस एक्स को टी मान लेंगे लेट 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी 1 का 0 प्लस कोस एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू
डीटी, तो माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीटी, तो यहाँ पे प्लस का साइन एक्स है, तो साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस डीटी, माइनस डीटी रख देंगे यहाँ पे, तो समाकलन माइनस 12 आ जाएगा और डी टी मैंने कौन कोस एक्स को क्या माना था टी इंटू टी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस लॉग टी मैंने कौन टी का लॉग टी प्लस सी, तो माइनस लॉग टी, टी किसको माना था वन प्लस कोस एक्स को, तो वन प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये आंसर। क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन 31 में क्या दे रखा है, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। देखो 30 और 31 दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है वन प्लस कोस एक्स की, और इसमें वन प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर दे रखी है, प्रोसेस सेम होगी दोनों में। साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स और समाकलन, तो 30 में वन प्लस कोस एक्स को टी माना था, तो 31 में भी लेट वन प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, वन का जीरो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो रखो माइनस डी टी साइन एक्स डीएक्स के स्थान पर माइनस डी टी, और वन अपॉन वन प्लस कोस एक्स को टी माना था टी, और इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस समाकलन टी स्क्वायर नीचे है ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का टू डी टी, अब इसमें सूत्र लगा देंगे टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टी की पावर माइनस टू और प्लस वन माइनस का वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, ये माइनस और माइनस प्लस इज इक्वल टू टी की पावर माइनस वन प्लस सी, टी की पावर माइनस है तो नीचे ले आएंगे अब इसको वन अपॉन टी प्लस की प्लस सी, टी किसको माना था वन प्लस कोस एक्स को, तो टी के स्थान पर वन प्लस कोस एक्स रख देंगे प्लस सी, ये हमारा आंसर। समाकलन वन अपॉन वन प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स, कोट एक्स को साइन और कोस में चेंज करेंगे, वन अपॉन वन प्लस कोट एक्स क्या होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन वन अपॉन इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे साइन एक्स, तो वन प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा वन के साथ मल्टीपल हो जाएगा साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, अब टू से ऊपर नीचे मल्टीपल करवा देंगे, टू से अंश व हर को गुणा करने पर गुणा कर दो समाकलन टू साइन एक्स अपॉन टू वन प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, नीचे वाला टू है ना इसको बाहर ले लो समाकलन से, वन अपॉन टू समाकलन टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, अब देखो टू साइन एक्स है ना इसको क्या करेंगे इसका वन वन के साथ साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स ऊपर गया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस टू से ऊपर नीचे मल्टीपल करवाया टू साइन एक्स अपॉन टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, टू को बाहर ले लिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अब ऊपर साइन एक्स और कोस एक्स है ना ये ट्रिम अपने को बनानी है, तो क्या करेंगे वन अपॉन टू समाकलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख दिया, फिर माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, अब इसको अलग अलग लिखेंगे वन अपॉन टू समाकलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स
अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, इवन बाई हाफ दोनों के साथ है, माइनस स्मॉलन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, आपस में कैंसिल आउट, इज इक्वल टू वन बाई हाफ स्मॉलन वन डॉट डी एक्स माइनस स्मॉलन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्या मानेंगे, टी नीचे वाले को, लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का समाकलन कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी रख देंगे, तो वन बाई टू वन का समाकलन एक्स माइनस समाकलन इस डी टी अपॉन वन प्लस साइन एक्स को क्या माना था, टी, तो टी इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स माइनस वन अपॉन टी का लॉग टी प्लस सी, टी किसको माना था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, तो टी के स्थान पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स रखेंगे, वन अपॉन टू एक्स माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, वन बाई हाफ दोनों के साथ है तो दोनों के साथ देख लो, अब एक्स बाई टू माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन टू प्लस सी, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 33 का क्या है, 33 समाकलन वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन 32 और 33 सेम दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या है, कोट एक्स प्लस का, इसमें माइनस का टेन एक्स, तो इसको अपन ने साइन और कोस में बताया था, तो इसको भी हम साइन और कोस में ही कन्वर्ट करेंगे। तो लिखो समाकलन वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स को कैसे लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका लेंगे अपन एलसीएम, कोस एक्स वन को कोस से मल्टीप्लाई किया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। पिछले वाले में क्या क्या था, अंश और हर को दो से मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी कर दो, दो से अंश व हर को गुणा करने पर, गुणा कर दो समाकलन टू कोस एक्स अपॉन टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे वाला टू है ना, इसको बाहर रख लो समाकलन से, टू कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इस टू कोस एक्स है ना, इससे नीचे वाले टर्म कोस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, ये हमें बनानी है, तो बनाओ कैसे बनाओगे, एक बार तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स, एक तो ये बन गई, फिर प्लस कोस एक्स प्लस का होना चाहिए, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको अब अलग अलग लिखेंगे, तो लिख दो वन अपॉन टू समाकलन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गए, तो इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स यहाँ वन डॉट डी एक्स प्लस समाकलन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो नीचे वाले को टी माना था पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसको भी लेट नीचे वाले को टी मान लो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कोस एक्स का अवकलन साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, और ये माइनस का है लेकिन माइनस का कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी,
तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसके स्थान पर डी टी रख देंगे, इज इक्वल टू वन अपॉन टू, वन का समाकलन एक्स प्लस समाकलन वन अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन टी का लॉग टी प्लस सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स प्लस टी, किसको माना था कोसेक्स माइनस साइन एक्स, तो इसके स्थान पर लिखो कोसेक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, टू दोनों के साथ है तो अलग अलग लिख दो इसको, कोस एक्स बाई टू प्लस लॉग कोसेक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टू प्लस सी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 33 तक कंप्लीट हो गए, अब क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन 34 समाकलन 34 क्या है, अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बनाना हमें, तो कोस एक्स से हर को कोस एक्स से गुणा व भाग करने पर समाकलन अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन अंडर रूट टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स टेन एक्स और कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया तो समाकलन अंडर रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यहां तक समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, टेन एक्स को टी मान लेंगे यहाँ पे, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो समाकलन अंडर रूट टी अपॉन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू समाकलन टी ऊपर जाएगी तो ये तो वन बाई हाफ प्लस का और टी माइनस वन इंटू डी टी, तो आधार समान यानी बेस समान होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, जोड़ दो इनको टी की पावर वन बाई हाफ प्लस और माइनस वन इंटू डी टी इज इक्वल टू समाकलन टी की पावर वन बाई हाफ प्लस और माइनस माइनस का वन इंटू डी टी, तो समाकलन टी की पावर प्लस की हाफ और माइनस का वन, तो माइनस की हाफ बचा इंटू डी टी, अब इसका समाकलन कर दो टी की पावर माइनस वन बाई हाफ प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई हाफ प्लस वन प्लस सी टी की पावर माइनस हाफ और प्लस की वन, तो प्लस का हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, तो वन बाई हाफ ऊपर जाएगा तो टू, टी किसको माना था टेन एक्स को, तो टी के स्थान पर टेन एक्स रखेंगे, टेन एक्स की पावर वन बाई हाफ प्लस सी इज इक्वल टू टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस सी, आंसर 34 इज कंप्लीट। क्वेश्चन 35 समाकलन वन प्लस लॉग एक्स की होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे वन प्लस लॉग एक्स को टी मान लेंगे, लेट वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, वन का जीरो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स ये है, वन अपॉन एक्स डी एक्स को डी टी से ट्रांसफर करेंगे यानी डी टी रखेंगे यहाँ पे, समाकलन वन प्लस लॉग एक्स को टी, तो टी की स्क्वायर इंटू डी टी, तो इसका समाकलन कर दो टी की पावर टू प्लस वन, टू प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू टी की क्यूब अपॉन थ्री,
प्लस सी, टी किसको माना था, वन प्लस लॉग एक्स को, तो रखो टी के स्थान पर वन प्लस लॉग एक्स की होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। ये आंसर क्वेश्चन 36। 36 का क्या है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स की होल स्क्वायर अपॉन एक्स समाकलन इंटू डी एक्स। 36 का ये है, तो इसको कैसे करेंगे, एक्स प्लस लॉग एक्स इसको टी मान लेंगे, लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स का वन प्लस लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे एक्स, इसका एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसको डी टी से रख देंगे इसके स्थान पर, और एक्स प्लस लॉग एक्स को टी माना था, तो टी की स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू, इसका समाकलन कर देंगे, टी की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू टी की क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। टी किसको माना था, एक्स प्लस लॉग एक्स को, तो टी के स्थान पर एक्स प्लस लॉग एक्स रखेंगे की होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। ये हमारा आंसर। अब 37, 37 क्या है, समाकलन एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की फोर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट इंटू डी एक्स। तो इसको एक्स की पावर एट है ना, यहाँ पे एक्स की पावर फोर है, तो इसको भी एक्स की पावर फोर में कन्वर्ट करेंगे, तो समाकलन एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की फोर अपॉन वन प्लस एक्स की फोर की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब टेन इनवर्स लेट, टेन इनवर्स एक्स की फोर को टी मान लेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स की स्क्वायर यानी एक्स की फोर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो वन प्लस एक्स की पावर फोर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी रखेंगे इज इक्वल टू समाकलन, इसके स्थान पर डी टी रख देंगे, तो रख दो डी डी टी और एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर का भी अवकलन हमें करना है, एक्स की पावर फोर का क्या होगा, फोर एक्स की क्यूब, तो यहाँ पे एक्स की क्यूब भी है, तो एक्स की क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फोर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो वन अपॉन फोर समाकलन से बाहर रख लेंगे और डिक्टी हो गया एक्स एक्स क्यूब वन प्लस एक्स की पावर फोर की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ तक कम्प्लीट। तो साइन टेन इनवर्स को टी माना था, तो साइन टी, साइन टी, साइन टी का समाकलन होता है कॉस टी, कॉस टी वन अपॉन फोर कॉस टी, लेकिन कॉस माइनस का प्लस सी, तो माइनस बार लिखो वन अपॉन फोर कॉस टी प्लस सी। टी किसको माना था, टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर को, तो माइनस वन अपॉन फोर कोस टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर प्लस सी। ये आंसर है 38। 38 समाकलन टेन एक्स की पावर नाइन प्लस टेन की पावर एक्स लॉग ई टेन डी एक्स अपॉन एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स। इसका हमें एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स को टी मान लेंगे, लेट एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स इज इक्वल टू टी। ये तो नॉर्मल एक्स की तरह हो जाएगा एक्स की पावर एन का, तो टेन एक्स की पावर टेन माइनस वन यानी नाइन प्लस टेन की पावर एक्स, ये टेन क्या हो गया, अचर यानी ए, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, तो ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर वाली ट्रेम होगी दी सेम, तो इसके स्थान पर डी टी रखेंगे इज इक्वल टू समाकलन इसको डी टी, डी टी अपॉन टी, वन अपॉन टी का समाकलन लॉग
टी प्लस सी, तो लोग टी, टी क्या था एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स प्लस सी, ये था। तो देखो ये इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, लोग एक्स की पावर टेन, एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स प्लस सी, तो डी, डी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 39, लास्ट क्वेश्चन, समाकलन डीएक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो देखो ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ऊपर अपन वन मान लेंगे, मान लेंगे तो वन क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है, तो वन के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग लिख देंगे, इज इक्वल टू समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको चेंज कर देंगे, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स टेन एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स और वो भी माइनस का प्लस सी, तो क्या हो गया टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। देखो इसमें काम ऐसा कर रहा है टेन एक्स माइनस कोट एक्स, टेन एक्स माइनस कोट एक्स, लेकिन यहाँ पे टू कोट एक्स है तो ये आंसर तो रॉन्ग, तो टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी आंसर इज बी राइट। थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना।